पढ़ाई की लिखाई की, गलत लोगों की संगत से बचा। कुछ समय उसने मेहनत पुरुषार्थ किया। अब वो 1000-2000 रुपए रोज के ऑफिस में बैठकर, जहाँ ठंडी गार एसी की हवा लगती है, ठंडी गार एसी की हवा में कुर्सी पर से हिलता भी नहीं, और 40,000, 50,000, 70,000, 1,00,000, 1.5-1.5 लाख महीने कमा रहा है। वो परेशान दिन भर खेत में चला फावड़ा। किस लिए? कुछ समय उसने मेहनत की, कुछ समय उसने खुद के ऊपर शासन किया, कुछ समय उसने अपने आप को गलत संगत से रोका, कुछ समय उसने अपने आप को नशे पत्ते से रोका, कुछ समय उसने अपने मन को रोका कि पिक्चर तो जिंदगी में और कभी देख लेंगे, लेकिन मेरे आज पढ़ने की उम्र है, मैं पढ़ लूं तो ये तो जिंदगी पर रोज काम करना है। कहते हैं जिसकी नौकरी लग जाती है उसको छोकरी अच्छी मिलती है, भटका कर कमा रहे। कितने हमारे जलगांव जिले में कितने लोग कमा रहे, घूम रहे। एक ही बात नहीं, अच्छी नौकरी रहेगी तो अच्छी जिंदगी मिलेगी, नहीं तो। मेरे बंधु, संतों से जुड़ने से सिर्फ राम राम करने ही नहीं सिखाता, संत आपको जिंदगी की हर चीज सिखाता है। आप सबने परम पूज्य बापूजी का सत्संग सुना, बापूजी ने कितनी छोटी 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 बातें हमको सुनाई कि सुबह उठते के साथ क्या करना। सुबह उठते के साथ 2-3 गिलास पानी पियो। कई लोग उठते के साथ बनी कई चाय, ला चाय बड़ा चाय कौन बनी पिता। उठते के साथ चाय बत पियो, उठते के साथ ठंडी के दिनों में कुनकुना पानी 2-3 गिलास पियो, तो वह पानी आपके खाली पेट में जाकर औषधि का काम करेगा। आपको जो एसिडिटी हो रही है, आपको जो कब्ज हो रही है, आपका जो पेट साफ नहीं हो रहा है, वह कुनकुना सुबह के सत्र का पीना पिया गया पानी आपके लिए, और खाली पेट पी गई चाय आपके लिए विष का काम करेगी। ये छोटी छोटी बातें आपको और हमको बापूजी ने बताई। 12-15 साल पहले बापूजी ने सत्संग में कहा, उस समय घाघरा ज्यादा, तो 8 दिन में, महीने भर में।